पैतानिक सा स्वागत है आपका। तो ये चैप्टर जैसे कि स्टार्ट होता है, आप लोगों ने देखा फाइनली फाइनली लूफी ने अपना योंको पावर दिखाई दिया इन द लास्ट फाइट। द चैप्टर एंड चैप्टर इज गोइंग टू क्रिटिकल एंड स्टार्ट विद ए फ्लावरी गार्डन प्लेस। एंड यहाँ पे हमें जो हमारी ओटामा है उसकी बैक फ्लैश मेमोरी दिखाई जाती है कि जो हमारे बूढ़े अंकल हैं बिल्कुल यार उस सांप वाली इनकी नोज़ है यार, बड़े बड़े मास्क है इनके यार, सही कहूँ तो इनके जो नोज़ है ये बहुत केयर कर रहे होते हैं ओटामा की। तो एंड आल्सो गोइंग थ्रू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर स्टार्ट होता है हमें दिखाया जाता है काले अंधेरे बादल बादल जिसमें से हमारे काइडोसामा का टापू जोड़ के आ रहा होता है। कौन सा मशीन वह लगाए हैं भैया जी, तनिक हमें भी बताइएगा। एंड स्टार्ट होता है हमारे काइडो एंड लूफी इन द फ्रंट ऑफ फेस टू फेस होते हैं एंड यहाँ हमारी यामोटो बहन भी दिखाई जाती है। रियली आई एम देयर हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन क्योंकि जो काइडो सामा है यामोटो को काफ़ी बार उन फाइट कर चुके हैं, यामोटो सामा है हर बार उनको छोड़ दिया जाता है पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी तक शायद से काइडो का पूरा कैरेक्टरिस्टिक जो है अभी तक बताया नहीं गया हमें या बताया जाएगा, देखते हैं इन द फ्यूचर। बट अभी जो फाइट चल रही है मोमोसिकी मोमोसिकी के ऊपर बैठे हमारी लूफी भैया वो क्या कहे, मोमोसिकी अभी तो बहुत डरे हुए हैं, बॉडी बहुत विशाल पाली है बट क्या करें बॉडी तो वही है ना, कुछ तो कुछ होगा बट देखते हैं। एंड लूफी को बड़ा भी स्ट्रेंज आइडिया आता है, वही बात की बात है। एंड यहाँ हमारे मिस्टर क्वीन really they have a lots of confusion when I was read last time, really thing is weird on One Piece and also is Luffy। तो हमारे यहाँ पे काइडो सामा अपना ब्लास्ट ब्रेथ यूज करते हैं जिससे कि हमारे मोमोस की भाई बहुत डर जाते हैं एंड बचने की कोशिश करते हैं। एंड लूफी भी कहता है तुम भी यूज़ करो अपना ब्लास्ट ब्रेथ, ये भैया हम तनिक बच्चे हैं हमें नहीं आता है, हमें कोई सिखाएगा तभी तो आएगा, अभी तो पहली बार इतने बड़का वाला रूप लिए हैं तब भी ऐसी बात करो, ये भैया लूफी भैया तो है पागल तुम जानो। एंड उसी के बीच में हमारे लूफी भैया का एक तगड़ा पंच काइडो सामा के फेस में, बट वी नो काइडो सामा का कोई फर्क नहीं पड़ता ओके। बट बात यहाँ पे ये है तुम ध्यान से चेक करो, लूफी है दूसरा पंच है बड़ा सामा और काइडो सामा तो उससे भी बड़े हैं यार, दे आर फोर्थ एम्परर हे। आगे नेक्स्ट होता है लूफी सामा हमारे आइडिया देते हैं कि उसे काट लोगे तो बेटर रहेगा, जैसे ही हमारे क्या कहे मोमोसिकी भाई बहुत डर रहे होते हैं बट डर के काट लेते हैं, काइडो सामा में थोड़ा सा रिएक्शन देते हैं बट थोड़ी देर बाद ए ब्रैड व्हाट आर यू डूइंग, ये बच्चे कहे बब्बा हमारे में तो बब्बा कहते हैं, ए बब्बा ए बब्बे क्या करा था नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था नहीं। बस उसी के बीच हमारे लूफी सामा एक मौका देखते हैं, मौका देखते ही चौका दे एलिफेंट पंच, ये धंस 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 बड़ा ही मस्त मोमेंट था ये। एंड यदि एनीमे में होता तो और मज़ा आता। एंड अलग चैप्टर में हमारे हैं नाइट किंग और डे किंग वो फाइट कर रहे होते हैं काइडो सामा के लेफ्ट या राइट हैंड हमारे हैं एलिफेंट भाई। एंड यहाँ हमारे मिस्टर लिक भी होते हैं बिग बॉम के एल्डेस्ट सन एंड वी नो हाउ ही लूज हिज हैंड, दिस awesome मोमेंट ना वेरी ऑसम। एंड जम्प करते हैं हमारे लूफी सामा के पंच पे एंड रियली यार काइडो डिडंट फील एनीथिंग हाउ। एंड यह हमारे यामाटो बहन को दिखाया जाता है जो कि और बड़ी बात ये होती है हमारे जो जोरन सांची सामा वो आश्चर्यचकित रहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें जो बड़े सा जो आइलैंड आ रहा है उनके हमें उसे रोकना होगा। एंड मोमोसुकी इतना बड़ा ड्रैगन है ये भैया, ड्रैगन प्रिंस ने एनीमे में होता तो और मजा आता बट मोमोसुकी भैया तो मोमोसुकी है ओके। एंड जोरो सामा एंड सांग सामा तो अलग ही है, सांग सामा चैन रेस्पेक्ट तो देना ही है यार अपने मस्त वाले है यार ये। बट जैसे हम आगे बढ़ते हैं लूफी कहता है आई केक योर एस, रियली योर हिज डायलॉग ना इन
डब इन इंग्लिश बड़ा ही मस्त लगता है। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी मारना हो, आई किक योर एस, आई किक योर एस। एंड ऑल्सो द किड एंड ट्रफलगो होते जा, ट्रफलगो लॉ रियली यार हिज नेम सम कंफ्यूजन। बट ऐसे हम जंप करते हैं नेक्स्ट काइडो पे, ही डिडंट फील एनीथिंग, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लोफी, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा, मैं तुम्हें गिराऊंगा, मैं तुम्हें हराऊंगा, बस मैं ही। एंड जैसे ही उनकी फाइट स्टार्ट होती है, योंको पावर फाइनली यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे ही योंको पावर टकराते हैं, आसमान के दो टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। ये होता है, ये मूवमेंट बड़ा मस्त होता है। जैसे कि हर योंको फाइट होती है, जैसे कि सैंक्स की और फाइट बियर की, एंड ऑल्सो द बिग मॉम वर्सेस काइडो की फाइट। एंड जब तक यहाँ पे हमारा खत्म होता है, जब इस ब्रांड एंड लूफी आफ्टर किक योर एस इज ऑलवेज सैड, इट्स अ थिंग दैट आई विल नीड हियर। And also is there the full moon, and someone say I have to slash this moon, okay? But before that, हमारे जो night king and day king होते हैं, they wanna fight him, fight back, and the using the Odin one style sword technique, यार, जो हमारे Kozuki clan की power होती है, and the last chapter is finished, and I hope the next chapter will be too awesome and fun. Enjoyable.